Hello, dear students. Very good morning to all of you. Once again, you are most welcome to your own channel, arc English Oracle, and I am here with all of you to deal with today's Millennial Post. This is another, a very different newspaper which you would definitely enjoy if you get live. So please hurry up, get live. And share the link with as many as possible so that many more guys can get associated with the session and they can also get the benefit of it. Before I start the session, I would like to congratulate those who cleared their 10 plus 2 2018 typing test. Arkango extends its congratulatory notes to all those. क्लियर दिस टाइपिंग टेस्ट एंड दे आर अबाउट टू गेट अ जॉब सो आई विश दैम आ न्यू इनिंग्स इन देअ लाइफ टू ये स्टूडेंट्स यस नील कमल ऑल्सो आई थिंक नील कमल पांडेज ऑल्सो देर सो प्लीज ये हमारे साथ सेशन में जुड़ते हैं दुर्गेश नीलकमल अक्षय these are the guys who got cleared who who, who sorry who cleared the typing test 2018 so I wish them a very good luck for the further proceedings guys let's get live come on dear student but offered live IA or as you do it regularly once again let me know whether whether you are getting audio visuals clearly or not so please let me know dear students it's a very good day for our english oracle channel because whenever we hear success news from our students we really get relieved and satisfied abnish kumar शिवम कुमार पाल चांदनी विनय कुमार पूजा साक्षी विजेता मोहम्मद रेहान प्रीति एम के कैलाश अम्बेडकर नगर प्रेमचंद शाहनी सूरज प्रताप पीएम राहुल सिवहरे पवन सिकेंद्र चौहान अरुण कुशवाहा धीरज कुमार राज सूरज प्रताप सिंह प्रेमचंद शाहनी प्रमिला यादव अभय गुप्ता हेम कुशवाहा नितिन यादव अभय गुप्ता फ्रॉम दिल्ली नगेंद्र यादव All the guys are most welcome and please support the channel. Please support the channel by sharing the link, by subscribing the channel. So, you have only two tasks in terms of paying something to the channel. You just like the channel, sorry, like the video, subscribe the channel, and share the link with as many as possible. Okay, so now let's start the session. हमने कुछ न्यूज़ सेलेक्ट किए फटाफट पहले उसको ले लेते हैं इसके बाद फिर एडिटोरियल की तरफ भी हम जाएंगे संपादकीय भी इसका पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होता है डी स्टूडेंट्स ये आपके सामने दिख रहा होगा मिलेनियम पोस्ट दिस इज मिलेनियम पोस्ट एंड द वेरी फर्स्ट न्यूज़ इन फ्रंट ऑफ यू इज़ बस मैं हेडलाइंस पढ़ाऊँगा चूँकि मुझे मैंने कुछ अच्छे अच्छे पीसेस सेलेक्ट किए हैं उनकी तरफ हम लोग जाएंगे तो फटाफट नीलकमल जी आपको भी दिल से शुभकामनाएं हमारी है। आपने हैं आपने रिजल्ट्स दिए हैं लगातार रिजल्ट्स दिए हैं यस नीलकमल जी आपका स्क्रीन मुझे मिला है मैं अपने चैनल पर शेयर करूँगा तो नीलकमल पांडे जी को सभी लोग मिलकर एक बार बहुत दिल से इनको शुभकामनाएं दीजिए बधाई दीजिए बिल्कुल बिल्कुल सब लोगों को दिखाइए विशाल साहू छोटे भाई बहन जितने भी हैं सबको आप जो है बिल्कुल दिखाइए मिलेरियम पोस्ट का पहला न्यूज है इंडिया लॉग्स हाईएस्ट डेली स्पाइक ऑफ सिक्स थाउजेंड वन फोर्टी एट डेथ भारत ने दर्ज किया है हाईएस्ट लॉग यहाँ पे बेसिकली रजिस्टर करने के सेंस में आएगा लॉग करना यहाँ क्या पड़ोगे देखो अब छोटा सा वर्ड है लेकिन आपको इस शब्द से जुड़ना होगा ये बहुत छोटा शब्द है ये आपको पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ लॉग वर्ड आया आप लोगों के मैथ्स में लॉग अलग होता है लेकिन यहाँ लॉग सिंपल रजिस्टर करने के सेंस में आएगा रजिस्टर एल ओ जी अगर आपका आता है तो इक्वल टू रजिस्टर करना दर्ज करना रजिस्टर करना मीन्स दर्ज करना तो सेशन शुरू जानकारियां आना शुरू रजिस्टर करना दर्ज करना आप सभी से रिक्वेस्ट है लिंक शेयर करते रहिए दबा के इसको आज हंड्रेड की तरफ लेके जाना है डी स्टूडेंट्स आपका सहयोग रहेगा तो यह चैनल हंड्रेड नहीं वन थाउजेंड की तरफ जाएगा क्योंकि नॉलेज का भंडार है यहां बस जरूरत है तो अधिकतम स्टूडेंट्स तक चीजें पहुंचाने की उनको सूचित करने की उनको इंफॉर्मेशन देने की इंडिया लॉग्स हाईएस्ट डेली स्पाइक अब यहां स्पाइक आप जानते हैं ये इंक्रीज का सेंस यहां पे देता है स्पाइक यहां जो है वो इंक्रीज स्पाइक इंक्रीज का सेंस देता है वृद्धि के सेंस में आता है लेकिन ये जो है ग्रोथ नहीं है नॉट इक्वल टू ग्रोथ कहते हैं ना कि वृद्धि तो ये भी होता है लेकिन ये वृद्धि जो है वो ग्रोथ के सेंस में सही नहीं यानी ग्रोथ वर्ड आप यहाँ इसके लिए नहीं ले सकते हैं ग्रोथ वर्ड आप इसके लिए यहाँ नहीं ले सकते तो भारत ने सबसे ज़्यादा स्पाइक दर्ज की है और वो है 6,148 डेथ्स का ये जो है थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा दूं ये चक्कर क्या है क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो डेथ्स के डेटा थे यानी जो डेथ स्टॉल था उसको क्या रिपोर्ट किया हमारे जो स्टेट्स उन्होंने सही ढंग से जानकारी दिया है या नहीं दिया तो थोड़ा सा समझ लें आप वन पैराग्राफ इसका हम लोग लेंगे विथ बिहार रिवाइजिंग इट्स फिगर्स एंड पुटिंग द टोटल नंबर ऑफ पैटालिटी एट नाइन थाउजेंड फोर ट्वेंटी नाइन यानी बिहार के रिवाइजिंग यानी संशोधन के साथ फिगर मैंने आंकड़े फिगर मतलब डेटा पढ़ेंगे यहां पर बेसिकली जो फिगर आपका यहां पर है सरल शब्दों में इसको आप डेटा कर लेंगे फिगर क्या है बेटा यहाँ पे डेटा ये बेसिकली जो है वो डेटा है फिगर आंकड़ा एंड पुटिंग द टोटल नंबर ऑफ फैटेलिटीज फैटैलिटीज यहाँ पे जो वर्ड है इस शब्द से भी आपको जुड़ना चाहिए फैटैलिटीज एफ ए टी ए एल आई टी आई ई एस फैटलिटीज को अगर हम चाहें तो कैजुअलिटीज से भी जोड़ते हैं हालांकि कैजुअलिटीज का प्रयोग जो है वो की दशाएं फिर अलग हैं कैजुअलिटीज बेसिकली जब हम कोई पर्यावरणीय घटना होती है या फिर कोई एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो इस 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 जगह जो है वो कैजुअलिटी जाता है और फैटैलिटीज का एक सिंपल जो यहां पे वर्ड्स लेंगे वो होगा डेथ्स वो क्या वर्ड होगा डेथ्स यहां पे फैटैलिटीज और कैजुअलिटीज डेथ्स के सेंस में आप यहां पे पढ़ सकते हैं तो कोविड नाइन्टीन के चलते जो नाइन थाउजेंड फोर ट्वेंटी नाइन इंडिया रिपोर्ट इस हाइस्ट सिंगल डे स्पाइक और भारत ने एक दिन का हाइस्ट सिंगल डे स्पाइक दर्ज किया है ऑफ सिक्स थाउजेंड वन फोर्टी एट डेस्क पुशिंग द टॉल टू और टॉल मतलब होता मृतकों का जो पूरा टोटल है यानी मृतकों की जो संख्या है वो पूरा का पूरा पुशिंग टू थ्री लैख फिफ्टी नाइन थाउजेंड सिक्स सेवेंटी सिक्स यानी कि तीन लाख उनसठ हजार के लगभग लोगों की जो है मौत हुई है यहाँ तक पहुंचा हुआ है नाइन्टी फोर थाउजेंड न्यू केसेस टुक द डेली टुक द टैली टू और जो नए चौरानबे हजार केस हैं इसके चलते जो टैली है जो पूरा फिगर है यानी एक्टिव केसेज का वो टू नाइन्टी वन एट्टी थ्री वन ट्वेंटी वन अकॉर्डिंग टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्रीज डेटा अपडेटेड ऑन थर्सडे तो गाइज ये तो बस इतना ही हमको देखना था चूंकि हम टारगेटेड कुछ न्यूज़ के पीसेज लेके आएंगे आपके सामने और उनको हम लोग अच्छे से देखते हैं अब हम एक काम जरूर करने लगे हैं शुरू में आपको बढ़िया से कोई चीज़ सेलेक्ट करके दें एक आपको और जानकारी मैं दे दूँ ये जो है ये सब अपडेट रहना चाहिए आपको इस इंफॉर्मेशन से जैसे केरला बेंगाल रिपोर्ट वैक्सीन वेस्ट यानी केरल और बंगाल में वैक्सीन वेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं थैंक यू एस एस सूर्या थैंक यू वेरी मच दिस इज द सपोर्ट वी रियली नीड फ्रॉम ऑल ऑफ यू दिस टाइप ऑफ सपोर्ट इनकरेज़ेज़ ऑन सेंटर्स डेटा केंद्र सरकार का जो डेटा है ऑफ थर्टी थ्री परसेंट वैक्सीन वेस्टेज 33 परसेंट वैक्सीन वेस्टेज झारखंड सेज ओल्ड डेटा झारखंड कहता है कि ये पुराना डेटा है यानी ये डेटा नया नहीं है। ये पुराना डेटा है वैक्सीन वेस्टेज का वैक्सीन वेस्टेज का है पुराना डेटा है एक आपको और खास जानकारी होनी चाहिए हेडलाइंस में थोड़ी आपको अपडेट कर दूं इसके बाद डेल्टा वेरिएंट फाउंड यानी डेल्टा वेरिएंट जो आपका इंडिया जिसे पहले इंडियन वेरिएंट या म्यूटेंट पाया गया था बोला जाता था अब उसी को डेल्टा वेरिएंट बोलते हैं फाउंड इसे पाया गया है टू इनफेक्ट वैक्सीनेटेड पीपल अर्थात ये वैक्सीनेटेड पीपल को इन्फेक्ट करने वाला है जिनका वैक्सीनेशन हो गया है उनको भी ये इनफैक्ट कर सकता है ये एम्स स्टडी में आया यानी एम्स ने जो अध्ययन किया उसमें पाया गया कि डेल्टा वेरिएंट जो है डेल्टा वेरिएंट नील कमल पांडे जी थैंक यू वेरी मच दिस इज योर लव दिस इज योर लव एंड रिस्पेक्ट यू आर अ डिलीजेंट स्टूडेंट एंड अ टीचर गेट सक्सेस वेन हिज और हर स्टूडेंट्स आर डिलीजेंट दे आर फोकस्ड टीचर की जीत तभी हो सकती है जब बच्चे लगातार पढ़ने वाले हों कंसिस्टेंसी से पढ़ने वाले हों रेगुलर रिवीजन करने वाले हों और नील कमल जी आप उनमें से एक थे दुर्गेश भी अभी आएगा अक्षय भी अभी आएंगे अगर कभी चैनल पे चूंकि वो गांव में है नेट नहीं उनका उनका भी क्लियर हुआ एग्ज़ाम तो उनका भी यही ओपिनियन था कि सर आपने मेरी किस्मत में एक बड़ा या मेरी लाइफ में एक बड़ा चेंज लाया लेकिन मेरा पक्का कहना है कि जब तक स्टूडेंट फाइटर नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी टीचर सफल नहीं हो सकता है बच्चों का फाइटर होना बहुत मैंडेटरी है अगर बच्चे फाइटिंग मोड में नहीं है फ़ाइटिंग स्क्रिट्स में नहीं है तो फिर टीचर फेल होता हाँ टीचर उन्हें इंस्पायर कर सकता है फाइटिंग मोड में लाने के लिए फ़ाइटिंग मोड में लाने के लिए टीचर उन्हें इंस्पायर कर सकता है दिस इज़ वॉट एंड आई ऑलवेज डू माई है ना बेस्ट टू इंस्पायर माई स्टूडेंट्स टू टच न्यूअर हाइट्स नई ऊंचाइयों को छूने के लिए मैं हमेशा प्रेरित करता हूं आपके अपने बच्चों को खैर लीव दीज थिंग्स अपार्ट लेट्स नाउ फोकस ऑन आर सेशन तो डेल्टा वेरिएंट फाउंड टू इन्फेक्ट वैक्सीनेटेड पीपल पीपल्स एम्स स्टडी और क्या लिखा आगे गवर्नमेंट क्लोज टू अब क्लोज के साथ एक पैटर्न जो आप देख पा रहे हैं इसको मैं चाहता हूं कि एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न है जब हम बोलते हैं जैसे ही इज एक ध्यान देना आप एक क्वेश्चन ही इज क्लोज और मैं यहां पे एक सेंटेंस आपका दे रहा हूं ही इज क्लोज एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं जरा उसको आप जवाब दीजिए दिए स्टूडेंट ही गेटिंग अ जॉब जैसे अभी नीलकमल अक्षय अच्छा और जो दुर्गेश अग्रहरी हैं ये सब बिल्कुल क्लोज टू हम्म अब इसमें जो है ये जो प्रापोजिशन आपका आता है एक जैसे आपका टू हो गया बी आपका टी डबल टू उन्होंने डाल दिया सी आपका फोर डाल दिया या डी आपका जो है उन्होंने विद डाल दिया तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोज टू एक और दूसरा ये जो आपका पॉइंट है जैसे ही एज मान लीजिए हमने क्लोज के साथ लिया और क्वेश्चन आपका इस तरह से बन गया ए और ऑप्शन दे दिए गेट बी ऑप्शन दे दिया टू तो गेट सी ऑप्शन दे दिया टू तो गेटिंग और डी ऑप्शन दे दिया आपका गेटिंग तो इसमें भी आपको सावधानी रखना यानी टू टाइप क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं एक इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है कि पूरा क्लोज के बाद अगर वर्ब पैटर्न लेना तो कैसे लेंगे तो टू के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको लेना पड़ेगा अगर क्लोज के साथ आपको वर्ब पैटर्न लेना है तो टू भी चाहिए और वर्ब का आईएनजी फॉर्म चाहिए क्लोज टू मीन्स नियरली लगभग हाँ नज़दीक है जैसे कि वह नौकरी पाने के लगभग करीब है नौकरी पाने के करीब है तो दोनों क्वेश्चंस पे आपको ध्यान रखना है क्लोज के बाद प्रोजिशन को भी ध्यान रखा जाए और साथ में क्लोज के बाद अगर वो पैटर्न लेना है तो टू के साथ आपको जिरंडियल फॉर्म लेना पड़ेगा वो आपका टू क्लोज क्लोज टू गेटिंग अ जॉब तो गवर्नमेंट क्लोज टू गिविंग इंडियमिटी टू फॉरेन टैक्स फॉरेन वैक्स मेकर्स रिपोर्ट इंडियमिटी एक तरह का होता है छूट इंडियमिटी भी एक आपका मैंने वर्ड के रूप में आपके एग्जाम में आ चुका है इसको भी आप अलग से नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि इंडियमिटी आपका जो है वो देखिए इतना, इतना 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 आपको फायदा हमारे चैनल से ज़रूर होने वाला है कि जो इंडायमिटी होता है या जो भी शब्द हैं आपके जो भी नए पॉइंट्स आपके आएंगे जो भी आपके नए पॉइंट्स आएंगे उनके बारे में एक चीज तय है उनके बारे में एक चीज तय है कि इंडियमिटी जो होता है प्रोटेक्शन मैं उनके बारे में बता सकता हूं कि वो एग्जाम में आते हैं और इंपॉर्टेंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो इंडियमिटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज यानी किसी नुकसान के प्रति अगर आपको प्रोटेक्शन है तो आपको या फिर कोई आपको प्रॉमिस करता हो कि भाई जो आपका नुकसान होगा प्रॉमिस करे प्रॉमिस टू पे फॉर टू पे फॉर एनी डैमेज और लॉस अगर किसी डैमेज या लॉस के प्रति आपको वादा करे कोई क्षति नुकसान डैमेज और लॉस तो इंडियमिटी वर्ड के साथ आप जुड़ें तो इंडमिटी टू फॉरेन वैक्स मेकर्स देखिए क्या है आपका वैक्स प्रीलिमिट स्टडी कंडक्टेड बाई दल इंडस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस डेली प्रेजेंस ऑफ कोविड नाइनटीन डेल्टा वेरिएंट इज प्री डोमिनेंटली फाउंड इवन आफ्टर गेटिंग अ सिंगल डोज ये प्री डोमिनेंटली फाउंड यानी मोस्टली फाउंड प्री डोमिनेंटली का मतलब होता है मोस्टली ये प्री डोमेंटरी का मतलब मोस्टली फाउंड इस पर भी एस एस सी पूछा है कि प्री डोमिनेंटली का पर्यायवाची क्या होता है तो मोस्टली अधिकांशतया फाउंड इवन आफ्टर गेटिंग अ सिंगल डोज एक डोज पाने के बाद है, बहुत डोजेज या दोनों डोज पाने के बाद भी ये डेल्टा वेरिएंट बना रहता है डेल्टा वेरिएंट बना रहता है इसके बाद एक हम आपको छोटी सी रिपोर्ट पढ़ाते हैं ये आपको जरूर जानना चाहिए आपके सामने है क्योंकि जब हम वीमेन महिला सशक्तिकरण के बारे में लिखते हैं गर्ल एजुकेशन के बारे में लिखते हैं तो आपको ये इस तरह के आंकड़े दिमाग पर होने चाहिए इनमेंट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इनरोलमेंट तो आप जानते नामांकन फ़ीमेल स्टूडेंट्स मतलब होता है लड़कियों का लोएस्ट इन इंस्टीट्यूट्स ये सबसे कम है इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं में लड़कियों का नामांकन सबसे कम है लड़कियों का नामांकन सबसे कम देखने को मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का संभवता रिपोर्ट है एम ओ ई करके है देखते हैं आगे और क्या है इसमें फुल फॉर्म रिपोर्ट शोज ये रिपोर्ट बताती है ये रिपोर्ट शो करती है रिपोर्ट शोज क्या दिखाती है राइज ऑफ ओवर राइज ऑफ राइज ऑफ ऑफ रेप ओवर 18% परसेंट इन फीमेल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन कि जो टोटल वृद्धि है वो 18 परसेंट का है फ्रॉम 2015-16 टू 2019-20 यानी राइस तो है ऑफ ओवर 18 परसेंट का लेकिन फिर भी जो ओवरऑल इनका हेडलाइन है वो कहता है कि ये जो थैंक यू गाइस थैंक यू तो आप देखें अंदर इसके और इसकी डिटेल्स देखते हैं क्या है शेयर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स अब देखो यहां पे गर्ल्स स्टूडेंट नहीं गर्ल स्टूडेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्वेश्चन का बनेगा कभी भी क्यों क्योंकि वो उसी हिस, उसी का हिस्सा है जब हम आपको एक पॉइंट रेज करते हैं लगातार कि आपको गर्ल्स आपको क्या लिखना है यहाँ आप? पे बेसिकली आपको लिखना क्या है इसको अगर आप नोटिस करें तो गर्ल और यहां इन्होंने एक शब्द दिया है स्टूडेंट्स तो गर्ल्स स्टूडेंट्स या गर्ल स्टूडेंट्स तो ध्यान रखना है कि यहां का हेड वर्ड यानी मेन वर्ड आपका स्टूडेंट है गर्ल यहां एडजेक्टिव होने के कारण इसमें एस नहीं लगेगा तो ये एक एग्जाम पॉइंट है जैसे वो बहुत सारे वर्ड्स अभी तक मैं आपके दे चुका हूं आई सर्जरी या आई सर्जरी तो आपका सर्जरी चूंकि नाउन है तो आपको आईज में यहां पर एस का प्रयोग नहीं करना है सूज शॉप अगर आपने लिखना है या शूज शॉप तो शूज में आपको एस का प्रयोग नहीं करना है इस तरह का ग्रामेटिकल पॉइंट एग्जाम का हिस्सा बनता है वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन सच पॉइंट्स एंड वर्ड्स एंड प्रापोजिशंस विच यूजली और वी कैन से रिपीटेडली टेक प्लेस इन द एग्जाम जो लगातार और बार बार परीक्षा में आते हैं एंड एज यू नो इट वेरी वेल दैट दोज फोकस्ड ऑन द रिपीटेड पॉइंट्स दे गेट सक्सेस क्योंकि एसएससी बैंक सी एनडीए जितने प्रश्न इस समय बनाता है 60 टू 70 परसेंट क्वेश्चन वो हैं जो पहले भी कहीं ना कहीं स्थान बना चुके हैं इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है इससे पिछले वर्षों के क्वेश्चन पॉइंट्स को तैयार करना है और जब आप इस सेशन से जुड़े होते हैं न्यूज पेपर से

अगर उनको क्वेश्चन बनाना है तो एक क्वेश्चन में दिखा दूं, शायद आप इससे अलर्ट अवेयर हो जाएंगे कि किस ढंग से हमें रीडिंग करनी चाहिए हाउ टू रीड एन इंग्लिश न्यूज पेपर तो मैं एक क्वेश्चन आपको बना रहा हूं जरा उसको देखिएगा आप अभी तो आप कर लेंगे क्योंकि सामने लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन बन जाते गर्ल्स आर नॉट getting opportunity to get enroll in the institutes of national इम्पॉर्टेंट डी ए स्टूडेंट्स मैं आपसे इसमें यह पूछना चाहता हूं द सेंटेंस हैज गॉड टू मिस्टेक्स अब आपको मैं अपना अभी हिंट इसलिए दे रहा हूं बिकॉज आई एम टीचिंग में आई एम ट्रेनिंग यू तो मैंने आपको बता दिया नहीं तो आपको एक कोई मिस्टेक देता मैं यहां पर इस सेंटेंस में टू मिस्टेक्स हैं यू फाइंड आउट आप सभी को ये रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करके दोनों गलतियाँ खोजो कि कौन कौन सी गलती हैं टू मिस्टेक्स हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच की हैं सही पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग नहीं किया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच सही पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग नहीं किया गया है और सही पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जहां जहां किया गया उसको आपको फाइंड आउट करना है बिल्कुल 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 देखिए एक आपका जो है नीलकमल पांडे मयंक मिश्रा एकदम करेक्ट आ चुके हैं एक इन्होंने पॉइंट रेज किया मैं बराबर बताता रहता हूं तो उन्होंने उसको पकड़ लिया है कि गेट के बाद बी के बाद रिमेन के बाद कुछ क्रियाएं हैं कुछ क्रियाएं हैं जिन्हें एक्शन लिंकिंग वर्ब कहते हैं एक्शन लिंकिंग वर्ब नोट करेंगे आप लोग बिल्कुल नोट करते रहिए और भरोसे से नोट करिए चाहे जितने लोग डिसलाइक करते रहें लेकिन जिंदाबाद जिंदाबाद सिलेक्शन आपका होगा ये मेरा वादा है लोग डिसलाइक करें चाहे लोग चाहे जो बोलते रहें आलोचना करने वालों को करने दो लेट देम डू देयर जॉब लेट देम स्प्रेड नेगेटिविटी अराउंड अराउंडल्व आप आइए हमारे साथ जुड़िए और सीखिए एक्शन लिंकिंग वर्ब में आपका गेट आपका है बिकम बी रिमेन लुक सी अपियर इनके बाद अगर आपको वर्ब लेना है तो आप ध्यान रखिएगा जनरली पैसे आपको मिलता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्योंकि पैसिव कंस्ट्रक्शन होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गेट बिकम बी रिमेन लुक सीम अपियर के बाद अगर वर्ब का चयन आपको करना है तो क्रिया का थर्ड फॉर्म और हैप के साथ भी हैप के साथ भी वर्ब लेना है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म गेट बिकम बी सीम बिल्कुल अपियर सबके साथ मैंने एक साथ कर दिया डी स्टूडेंट्स आप लोग इसको अच्छे से नोट करें गेट बिकम बी रिमेन लुक सीम अपियर हैप के साथ अगर डायरेक्ट वर्ब लेना है तो थर्ड फॉर्म सीधे सीधे क्रिया लेना है बिना कुछ जोड़े तो थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे लेना होता है तो एक तो आपने बिल्कुल सही जगह आपने आइडेंटिफाई किया कि गेट इन आपका एक प्रॉब्लम एरिया है दूसरा आपका जो है द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल यहाँ जो है ऑफ प्रेपिशन अगर था और प्रेपजिशन के बाद आपका नाउन अगर शब्द कुछ आए हैं आफ्टर अप्रेपोजिशन कुछ भी आता है अगर तो वहां पर नाउन या प्रोनाउन दिखना चाहिए और वो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो अब यहां पे ऑफ के बाद दो शब्द हैं और ये बेसिक सिद्धांत में बताता हूं कि अगर एक साथ दो तीन शब्द हों प्रशन के बाद क्रिया के बाद तो इनमें से जनरली ये शब्द एडजेक्टिव माने जाते हैं और जो लास्ट वर्ड है वो नाउन माना जाता है ऐसे में नेशनल आपका एडजेक्टिव है दूसरे एंगल से देखें अगर आप तो ए एल वर्ड जो है वो एडजेक्टिव होते हैं इस सफिक्स तरीका भी है एक साफिक्सिज का तरीका जिससे आप पकड़ें तो ए एल शब्द नेशनल इसलिए वो एडजेक्टिव के तौर पे और इम्पॉर्टेंट ए एन टी वर्ड जो होते हैं वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं और इंपॉर्टेंट जो ए एन टी है अगर उसमें हम ई -E जोड़ते हैं तो ये नाउन बनेगा तो ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस तो टू एरियाज थे जहां इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो 2017 में 2018 में 2019-20 के आसपास यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं सेंटेंस में एडजेक्टिव की जगह कहीं नाउन तो नहीं है नाउन की जगह कहीं एडजेक्टिव तो नहीं है एडवर्क की जगह कहीं एडजेक्टिव तो, तो नहीं है मतलब ये सब जो है इंटरमिक्सिंग बहुत देखने को मिलती है और ये आप बाहर आ सकते हैं अगर न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा वायल तो वायल आपका हो गया यहां पे जैसे है कंजंक्शन फीमेल पार्टिसिपेशन दो शब्द हैं यहां पे एक साथ दो शब्द तीन शब्द विदाउट प्रेपजिशन और कंजंक्शन हो ये नारा लगाइए आप मेरे साथ एक साथ दो शब्द तीन शब्द विदाउट प्रेपजिशन कंजंक्शन हो तो जो अंत वाला यानी लास्ट वाला वर्ड होता है वो नाउन होता है एक तो इससे भी पहचानेंगे आप दूसरा टी आई ओ एन टी आई ओ एन शब्द एज ए नाउन देखा जाता है और फीमेल यहां पे एडजेक्टिव है जबकि आप जानते हैं कि फीमेल नाउन के तौर पे भी आ सकता है बट यहाँ हियर ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है तो फीमेल पार्टिसिपेशन ये आपका सब्जेक्ट हो गया है अब प्रेपजिशन चूंकि आ गया है तो प्रेपजिशन के बाद चाहे जितने शब्द आएंगे वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं इसका मतलब ये हो गया कि जो एज है उसका असली सब्जेक्ट जो है वो पार्टिसिपेशन है तो फीमेल पार्टिसिपेशन इज लोअर यानी फीमेल पार्टिसिपेशन लोअर है और कैसा फीमेल पार्टिसिपेशन जब किसी नाउन के साथ हम प्रश्न करते हैं कैसा तो उसके एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेजेज या एडजेक्टिव क्लॉज उसके बाहर आ जाते हैं एक शब्द का है एडजेक्टिव कई शब्दों से मिलकर बना है तो एडजिक्टिव फ्रेजेज तो एडजेक्टिवल फ्रेजेज इनको पढ़ते हैं बेसिकली ग्रामर में तो इन प्रोफेशनल कोर्सेज आपका यहाँ पर जो तीन शब्द हैं प्रेपोजिशन एडजेक्टिव प्रोफेशनल एडजिक्टिव कोर्सेज आपका नाव यानी प्रेपजिशन एडजेक्टिव और नाउन मिलकर पार्टिसिपेशन के लिए एडजेक्टिवल फ्रेज बना हुआ है अब अगर हम इसको ऐसे थोड़ा सा लिख के समझें तो देखें कि क्या स्थिति बनती है किसी भी प्रेपजिशन प्रेपजिशन यानी नाउन के बाद आपको प्रेपजिशन मिला फिर आपको एक एडजेक्टिव मिला फिर आपको एक नाउन मिला तो क्या हो रहा है तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलकर तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलकर नाउन का एडजेक्टिवल फ्रेज यहां पे बन रहा है एक आपका प्रेपजिशन दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा नाउन और मिलकर तीनों शब्द क्या बने हैं एडजेक्टिवल एडजेक्टिवल फ्रेजेज एडजेक्टिवल फ्रेजेज तीन आपको मिलके यहां पे एडजेक्टिवल फ्रेज आपका बन गया क्या बन गया एडजेक्टिवल फ्रेज तो जब भी किसी नाउन के बाद आप देखें कि कोई प्रापोजिशन के साथ इंफॉर्मेशन जोड़ी गई है तो वो आपका एडजेक्टिवल फ्रेज होता है दूसरा तरीका भी इसका हो सकता है कि नाउन से आप सिंपल सवाल करें किसी भी नाउन से आपने एक सिंपल सवाल किया कैसा नाउन कैसा यानी विच टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ नाउन कैसा? आप ये सवाल कभी भी अगर एक ही सवाल है ऑनली क्वेश्चन विच कैन लेट ही नो अबाउट एजिकटिव एजिकटिव फ्रेज एंड एजटिव क्लॉज ये एडजिकटिव भी सारे निकाल के दे देगा दे आपको आपको एडज सारे देगा दे दे आपको जितने भी होंगे नाउन के साथ जुड़े होंगे तो और अगर कोई क्लॉज एडजटिव क्लॉज अगर होगा तो उसको भी निकाल के दे देगा दे सिर्फ एक सवाल आपको करना है विच टाइप ऑफ नाउ तो अगर हमने यहाँ पे एक सवाल किया कि विच टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन कैसा कैसी भागीदारी तो एक तो इसका एडजेक्टिव एक शब्द का आ गया फीमेल भागीदारी यानी लड़कियों की भागीदारी तो एक तो एक ये एडजेक्टिव बन गया कैसी भागीदारी एक ये एडजेक्टिव हो गया और कैसी भागीदारी प्रोफेशनल कोर्सेज में जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उनमें तो जो भागीदारी शब्द है पार्टिसिपेशन उसके साथ जब हमने सवाल किया विच टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ तो जवाब के रूप में एक जगह हमें एडजेक्टिव मिला फीमेल और बाद में चूंकि तीन शब्दों से मिलके एक समूह बना है तो उसे बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडजेक्टिवल फ्रेज बहुत सिंपल होता है बस सुनते रहें लगातार फॉलो करते रहें और ये बातें पहली बार नहीं कर रहा हूं 400 से ज्यादा वीडियोज हमारे हैं आ, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाया करिए रोज जब खाली बैठे रहते हो तो कोई ना कोई वीडियो खोल के सुनिए इंस्टेड ऑफ कॉमेडी देखते हो गाने देखते हो या फिर जो यूट्यूब का गलत जगह आपका जो डेटा जा रहा है उसको रोकिए 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 अभी आपके निर्माण का दौर चल रहा है जीवन निर्माण का दौर है कैरियर निर्माण का दौर है तो मेरी आपसे विनती है करबद्ध प्रार्थना है कि माता पिता के सम्मान के वास्ते उनकी भावनाओं के वास्ते अपने परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि के वास्ते कृपा करके आप अभी फोकस जो करें अपना जो ऑनलाइन रहते हैं आप डेटा अपना जो यूज करते हैं मैक्सिमम डेटा जो है वो एजुकेशन में लगाइए नॉलेज इन्हेंसमेंट में लगाइए तो आपको दो साल बाद फिर मौज मस्ती के लिए भरपूर समय मिलेगा खूब मौज मस्ती करना कोई नहीं रोकता है जब आप चयनित हो जाते हैं सेलेक्टेड हो जाते हैं सेटल्ड हो जाते हैं तो घर वाले भी खुश होते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इंजॉय कर रही है इज दैट क्लियर तो इन्जॉयमेंट का कोई दुश्मन नहीं है आपके लेकिन बेटा सही समय पर सही चीज़ें ना करने वाले जिंदगी भर पछताते हैं पश्चाताप करते हैं मुझे उम्मीद है कि आप इस भावना का ध्यान रखेंगे तो आप यहां पे इज लोअर इन कंपैरिजन टू एकेडमिक कोर्सेज और ये इन कंपैरिजन में एक साथ इस प्रेपजिशन फ्रेज को देना चाहता हूं अक्सर ये ऐसे जो फ्रेज हैं कभी भी चूको मत तुरंत इनको नोट करो क्योंकि यही एग्जाम में टेस्ट हो जाता है कि क्या आपने इन कंपैरिजन अगर प्रेपोजिशनल टेस्ट होता है तो ऐसे ही होता है यहां का इन करके वो इनटू से कंफ्यूज करा दें या किसी और प्रोजिशन इस टू को वो टी डबल ओ टू से करा दें या कोई और कोशिश कर दें तो आप वहां जवाब दीजिए कि नो 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 आई हैव बीन अंडर द गाइडेंस ऑफ आर किंगल एंड आई कैन नॉट टॉलेट सच सिली मिस्टेक्स इन एग्जाम्स आई विल कम आउट ऑफ दीज प्रॉब्लम वेरी इजीली तो आप ये दम भर के बोलें कि मुझे जो गाइड करने वाला चैनल था वो मुझे एक एक बारीकी पर ले जाता था किसी की हिम्मत नहीं जो मुझसे गलतियां करवा सके तो इन कंपैरिजन टू एकेडमिक कोर्सेज तो ये जो महिला पार्टिसिपेशन है व्यवसायिक कोर्सेज का वो लोअर है लोअर अब देखो लोअर को भी समझना पड़ेगा क्योंकि लोग लिख सकते थे कम है लेकिन लोअर है तो मीन्स जो है कंपेरिजन की जा रही कि पहले की तुलना में जब हम कॉम्परेटिव डिग्री लेते हैं तो जो पहले की स्थिति है उससे जो अभी की स्थिति है उसमें लोअर है यानी कम है अकॉर्डिंग टू और अकॉर्डिंग टू जो आप जानते हैं इसके चार पांच फ्रेज आपके आते हैं मैं बराबर लिखता हूं पिछले वीडियोज को फॉलो करिए उसमें है अकॉर्डिंग टू एच पर इन लाइन विद इन सिंक विद है ना इन अकॉर्डेंस विद सो सुप्लेंटी ऑफ फ्रेजेज हैं जो आपके के अनुसार या के अनुरूप का साइंस क्रिएट करते हैं द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी हाँ इन विद बहुत है नीलकमल पांडे जी कम से कम छह सात लिखता हूं मैं आपको रिवाइज करा दे हाँ पे अभी फिर से रिवाइज करा सकता हूं रोबोटिक है मेरा काम रोबोटिक एकदम जित च, आप कुछ भी कह दोगे मैं फटाफट आपको बता दूंगा अकॉर्डिंग टू जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे पढ़ने पढ़ाने वाले पढ़ते रहेंगे जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे अकॉर्डिंग टू इन अकॉर्डेंस विद एच पर के अनुसार के लिए सभी के सभी के अनुसार In line with, in sync with, एस वाई एन सी इन सिंक विद सबको आप यहां पे नोट कर दें के अनुसार सबको आप नोट कर दें के अनुसार तो यहां पे अगर अब आप देखें इसमें क्या स्थिति है कि हालांकि इन्होंने कहा हालांकि इसके बाद की मतलब कम हुई है लेकिन फिर भी ये क्या कह रहे है? दे हैं देयर हैव बीन अगर आपका है तो ये होता है रहा है, रहा है रही है रहे हैं अकेला है के बाद देखो बीन अगर अकेला हो तो पढ़ना सीखो जैसे आप इसको पढ़ना नहीं जानते हैं ठीक से है बीन ठीक से देखा करो बीन जैसे ही बीन माय फ्रेंड तो आपने लिख दिया है कि वह मेरा मित्र है या तो मोटा मोटी ये पढ़े या मित्र रहा है रहा है वह मेरा मित्र रहा है वह मेरा मित्र रहा है वह मेरा मित्र रहा है ही हैज बीन माई फ्रेंड वह मेरा मित्र रहा है तो दे हैजीन एन ओवरऑल इंक्रीज तो एक ओवरऑल का मतलब टोटल ओवरऑल कैसे पढ़ते टोटल एक इंक्रीज हुई है ऑफ ओवर एटीन परसेंट यानी अट्ठारह प्रतिशत की एटीन परसेंट एंड फीमेल इनरोलमेंट अब फिर यहां पर फीमेल एडजेक्टिव इनरोलमेंट आपका नाउन है इन हायर एजुकेशन और उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन हायर एडजेक्टिव है कॉम्पिटेटिव डिग्री का एजुकेशन नाउन है फ्रॉम 2015-16 फिफ्टीन सिक्सटीन 20, टू यानी 2015-16 से 2019 बीच के बीच में 18 परसेंट का एनरोलमेंट बढ़ा है हाँ कंसिस्टेंट विद भी की अनुरूप का संघ बिल्कुल ऐसे तो और भी फ्रेज है इनकॉन्ग्रोएस विद होता है कंसिस्टेंट विद होता है कई हैं जो और सिमिलर मीनिंग देते हैं प्रेमचंद सहानी यहां पे देखें एक चीज में जो हाईलाइट कर रहा हूं जरा उसको समझ रहे हैं आप ओवरऑल इंक्रीज ऑफ एटीन परसेंट फीमेल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन यानी फ्रॉम और आपका ये टू ये फ्रॉम और टू भी अक्सर आता है जब दो पॉइंट होते हैं तो ये एस एस ने बहुत क्वेश्चन बनाया फ्रॉम और टू का 15, 16 टू 2019, 20 नाइन पॉइंटेड आउट द रिपोर्ट रिलीज पॉइंटेड आउट द रिपोर्ट ये बताया किसने रिपोर्ट ने तो देखो पॉइंटेड आउट जो है यहां पे मेन वर्ब है रिपोर्ट यहां सब्जेक्ट है लेकिन रिलीज जो है वो रिपोर्ट का एडजेक्टिव है रिलीज ऑन थर्सडे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो ये जो रिपोर्ट है रिलीज ऑन थर्सडे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अमेरिकन इंग्लिश में एडुकेशन और ब्रिटिश इंग्लिश में एजुकेशन आपका होता है हा बिल्कुल पूछते रहेंगे बिल्कुल पसंद और इंडिपेंडेंस वॉइस योर नेम इहाई लव यूर कम ऑन ये सब देखो ये के अनुरूप के लिए अभी हम लोग बात कर रहे थे के अनुरूप का इंटेंडिथ एक वर्ड दिया ये सब हम लोगों ने पढ़ाए हैं अखबार के दौरान बाई गोड बता रहा हूँ ये सारी चीजें हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसका मतलब भी होता है के अनुरूप कंसिस्टेंट विद का भी मतलब होता है के अनुरूप कंसिस्टेंट का मतलब भी होता है कंसिस्टेंट का मतलब होता है के अनुरूप और इन कॉन्ग्रुएंस विद इन कॉन्ग्रुएंस ओ एन जी आर यून कॉन्ग्रुएंस विद का मतलब भी होता है के अनुरूप ये भी वही है के अनुरूप के अनुसार के अनुरूप के अनुसार ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में ये भी जाते हैं डीए स्टूडेंट्स आपकी संख्या कम नहीं होना चाहिए बढ़ना चाहिए और नहीं बढ़ेगी तो बिल्कुल मैं हतोत्साहित होऊंगा और मुझे बहुत दुख होगा कि जब अच्छा कंटेंट नहीं चाहिए तो वाइस शुड आई बी हियर ऑन यूट्यूब फिर बिल्कुल अगर आपका जोश बना रहा तो मेरा जोश हाई है फिर तो इसको अब हम लोग क्विट कर रहे हैं बस हमको आपको एक आंकड़ा देना था अब हम चलते हैं आपको किसी और इंटरेस्टिंग पीस की तरफ बस थोड़ी सी मजेदार जानकारियां उसमें से कुछ क्वेश्चंस और फिर हम आपको जस्ट वेट 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 मैंने और एक सेलेक्ट किया था मैं उसको दिखाता हूं क्या था वो फर्स्ट रिकॉर्ड हाँ अब मैं आपको बारिश का आंकड़ा थोड़ा दे दू बारिश का क्या हाल है ये देखें जरा आप मे रिकॉर्ड हाइएस्ट ये मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूं कि नहीं आप जरा सजेस्ट करिएगा क्योंकि जब हम ऐसे अचानक कोई भी पढ़ते हैं तो उसमें आलतू फालतू न्यूज आती है लेकिन जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर वही चीजें आती हैं जिससे हमारा सामान्य ज्ञान भी बढ़ेगा और साथ में हमारा इंग्लिश का नॉलेज भी बढ़ेगा मे रिकॉर्ड सेकेंड हाइएस्ट यानी मई महीने का जो रिकॉर्ड्स हैं सेकेंड हाइएस्ट रेनफॉल है, है. 121 साल का 121 साल में दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड बारिश का मई के महीने में आया है ये आई की रिपोर्ट आई है आई होता इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारतीय मौसम विभाग यानी भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि यह मई महीने का 121 एक सालों में बारिश का सबसे बड़ा दूसरा रिकॉर्ड है सबसे बड़ा दूसरा रिकॉर्ड है एट थर्टी फोर पॉइंट वन एट डिग्री सेल्सियस और ये जो है 34.18 दशमलव अट्ठारह डिग्री सेल्सियस एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर औसत अधिकतम तापमान एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर अब मान लो यही हम देखें तो एवरेज यहां एडजेक्टिव है मैक्सिमम एड्जिक्टिव है और टेम्परेचर यहां पे नाउन है ओवर इंडिया और ओवर इंडिया जो है वो टेम्परेचर का क्या माना जाएगा जरा कमेंट कर दो आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं कभी इंडिपेंडेंस वॉइस में कह रहे सर आप मुझे, मुझे हम लोगों से कुछ सवाल करते रहिए ओवर इंडिया यहां एडवर्ब फ्रेज है एडजेक्टिव फ्रेज है वर्ब फ्रेज है एडवर्ब क्या है ये नाउन फ्रेज है क्या है बताओ फटाफट बता दीजिए तो मैं मानूं कि आप सही ऑब्जर्वेशन में लगे हैं बहुत सारे स्टूडेंट का करेक्ट जवाब आना चाहिए ओवर इंडिया यहां पर क्या है ओवर इंडिया यहां क्या है इंडिपेंडेंट वॉइस का सबसे पहले जवाब आया है आ, 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 आ. अब आप यहां ध्यान से सुन लीजिए आप लोग थोड़ा सा हाँ वुड गजेंद्र मोहन आई लव यू अ लॉट मिस्टर गजेंद्र मोहन आप में वो हिम्मत थी वो जज्बा था कि आप सबसे अलग हो सके यू यू टुक अ वेरी डिफरेंट पाथ अब आप सुन ले जरा गजेंद्र मोहन के साथ जाना चाहो आई वुड लाइक टू गो विद मिस्टर गजेंद्र मोहन देखिए जब किसी नाम के बाद आप जो है प्रेपोजिशन प्लस नाउन को पाते हैं जैसे उदाहरण के तौर पे यहां पे टेम्परेचर ओवर इंडिया हमें मिला था टेम्परेचर ओवर इंडिया मिला था तो यह बात सच है कि सेंटेंस की स्थिति के अनुसार यह दो भूमिकाओं में हो सकता है अगर ये इसकी विशेषता है अगर यह नाउन की विशेषता है तो फिर बेशक ये एडजेक्टिव फ्रेज है ये एडजेक्टिवल फ्रेज है और अगर ये कहीं आगे चल के मेन वर्ब की विशेषता है मेन वर्ब की विशेषता है तो बेशक फिर यह एडव फ्रिज तो ये बात सच है कि जिन लोगों ने एडवर्ब फ्रेज डाला है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके चल रहे हैं कि स्थान दिया है यहां पर लेकिन स्थान भी किसके रोल में आ रहा है किसको मॉडिफाई कर रहा है इस पर आपका फोकस होना बहुत जरूरी है जैसे नाउन आपका था टेम्परेचर कैसा टेम्परेचर तो औसत औसत अधिकतम टेम्परेचर और कैसा टेम्परेचर भारत का टेम्परेचर यानी पूरे भारत का ओवर इंडिया पूरे भारत में जो टेम्परेचर तो आप यहां पे टेम्परेचर के साथ जब सवाल करेंगे विच टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ तो दोनों जवाब आने वाले हैं औसत अधिकतम टेम्परेचर भी जवाब आने वाला है और पूरे भारत का टेम्परेचर तो यहां जो आपका ओवर इंडिया है वो टेम्परेचर का एडजिटिव प्रेज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आगे आपको कंफ्यूजन से दूर रखे गए प्रेपजिशन फ्रेज यार का कोई मतलब नहीं प्रेपोजिशन फ्रेज इज नथिंग प्रेपोजिशन फ्रेज इज नथिंग नाई डियर प्रेपोजिशन फ्रेज इज प्रेपोजिशन फ्रेज को इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं कहते हैं प्रेपोजिशन फ्रेज जब सेंटेंस में जाता है तो वो डिपेंड करता है कि वो कहीं एडवर्ब फ्रेज की भूमिका में है या वो किस फ्रेज को रोल प्ले कर रहा है प्रेपोजिशन फ्रेज इंडिपेंडेंटली इज नथिंग चूंकि प्रेपोजिशन अकेले कुछ नहीं है ऐसे प्रेपोजिशन फ्रेज अकेले कुछ नहीं है सेंटेंस के अंदर प्रेपजिशन हो चाहे प्रेपोजिशन फ्रेज हो उसे नाव देखो यार एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझो आप लोग ये जो प्रेपोजिशन फ्रेज बोले हैं उनको मैं थोड़ा समझा दूं प्रेपोजिशन फ्रेज हो चाहे प्रेपजिशन हो चाहे प्रेपोजिशन फ्रेज हो इसके बारे में एक बेसिक सिद्धांत समझो इसको या नाउन या प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है ये बिना नाउन प्रोनाउन के अधूरा है अगर इसके साथ नाउन प्रोनाउन नहीं है तो ये अधूरा है बिना नाउन प्रोनाउन के प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशन फ्रेज अधूरा है पहली बात अमित कुमार यादव ध्यान से सुन लीजिए आप दूसरी महत्वपूर्ण बात फिर ध्यान से सुनिए कब जब हम प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ नाउन या प्रोनाउन जोड़ते हैं एक ही लाइन में लिख देते हैं जब हम नाउन या प्रोनाउन जोड़ते हैं तो यह दो भूमिकाएं निभा सकता है सिर्फ दो अंतिम सत्य व्याकरण का अंतिम सत्य व्याकरण का मैं जो है आप बता दें आप लोग अभी यहां पे इलाहाबाद में कंपेयर करते हैं या फिर आप ऐसे ऐसे हमारे जूनियर भाई बहनों से भी कंपेरिजन करते हैं करिए अच्छी बात है कंपेरिजन होनी चाहिए लेकिन मैं बता दूं कि जो अमेरिकन ब्रिटिश जहां बेस्ट ट्यूटर्स लगे हैं अंग्रेजी पढ़ाने वाले उनके वीडियोज में फॉलो करता हूं और आई स्वे फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट मैंने आज तक मतलब बहुत दिन हो गया इसके पहले मैं भी सीख रहा था अभी भी सीख रहा हूं लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में बेस्ट ट्यूटर्स के मैं वीडियो फॉलो कर रहा हूं ब्रिटिश इंग्लिश के बेस्ट ट्यूटर्स के वीडियो में फॉलो कर रहा हूं लेकिन उनके डिस्कशन में मुझे कोई ऐसी जा बात रेयर मिलता कभी कभार नई चीजें मिल जाती वहां से कभी कोई जल्दी ऐसी बात नहीं मिलती जो हमें एहसास में नहीं है जो हमारे एहसास में नहीं है ये मैं इसलिए बताता हूं कोई घमंड समंड नहीं है भाड़ में गए घमंड भरोसा है और मैं भरोसा देना चाहता हूं आप प्रैपोजिशन प्रापोजिशन फ्रेज के साथ अगर आपका ध्यान से सुन ले अब आप प्रेपजिशन या प्रेपोजिशन फ्रेज के साथ अगर आपका नाउन प्रोनाउन जुड़ा हो नाउन प्रोनाउन जुड़ा हो बात समझो ना कब कहाँ कैसे होने पर एडवर्ब मैं बता रहा हूं ना मुख्य क्रिया की विशेषता ही एडवर्ब है एडवर्ब तभी है जब वो मेन वर्ब की विशेषता में बैठा पूरे वाक्य में जो मेन वर्ब है या जो अन्य क्रियाएं भी है उनकी विशेषता में अगर कोई फ्रेज बैठा है तो वो एडवर्ब फ्रेज होगा सेंटेंस बैठा है तो वो एडवर्ब क्लॉज होगा एक शब्द बैठा है तो वो एडवर्ब होगा मिस्टर अभिषेक कुमार यादव मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने आपका सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं कब कहां कैसे होने पर एडवर्ब है तो जब कोई शब्द या शब्द समूह या वाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताता है तभी एडवर्ब है और जब वो नाउन की विशेषता बताने लगता है तो एडजेक्टिव फ्रेज है बहुत सरल सिद्धांत है डियर स्टूडेंट्स प्रजिशन Preposition और प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ जब नाउन प्रोनाउन जुड़ता है तो यह दो भूमिकाएं निभा सकता है या तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा कब होगा जब नाउन की विशेषता बताए जब नाउन को मॉडिफाई करे जब नाउन को मॉडिफाई करे और जब ये वर्ब को मॉडिफाई करे वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो तो क्या है तो फिर ये एडवर्ब फ्रेज है एडवर्ब फ्रेज बस आज की बात कंफर्म कर लो जब भी प्राइपोजिशन के साथ कोई इंफॉर्मेशन देखें आप तो उसकी दो भूमिकाएं हो सकती हैं जब भी प्राइपोजिशन के साथ कोई इंफॉर्मेशन देखें तो दो भूमिकाएं ही हो सकती हैं तीसरा कोई नहीं है तीसरी कोई भूमिका नहीं, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है और ये सब बेसिक हैं यार बेसिक्स पे काम करिए तो आइए देखें एट थर्टी फोर 0.18 डिग्री सेल्सियस एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर ओवर इंडिया दिस में अब दिस में यहां पे टाइम इस मई में वॉज द फोर्थ ये था द फोर्थ लोएस्ट अब यहां द फोर्थ लोएस्ट क्या है बता दीजिए द फोर्थ लोएस्ट ये नाउन फ्रेज है एडजेक्टिव फ्रेज है एडवर्ब फ्रेज है खटाखट बताइए जरा कमेंट करिए आप लोग लिंग्विस्टिक्स में आप कहते हैं ना हमारा टेस्ट लीजिए वंस अगेन आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन if you are willing to take this question please take this question the fourth lowest is samay yahan par parts of speech ke naam par kya hai ye aapka noun phrase adjective phrase adverb phrase सूरज प्रताप सिंह रव रवि अब देख लो आप लोग आप लोग लो अच्छे विद्यार्थी हैं आप लोग वो लोग हैं जिनकी ठीक ठाक जानकारियां हैं मिस्टर सूरज प्रताप जिनको मैं ये मानता हूं कि यू हैव सबस्टेंशियल नॉलेज इंडिपेंडेंट वॉयस अगेन यू आर कमथिंग एन एरर अगेन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक माइ डियर अगेन यू आर मिस्टेक माई डियर दोज हु आर गोइंग विद विदजेक्टिव फ्रेज आर रॉन्ग एंड दोज हु आर गोइंग विद नाउन फ्रेज आर करेक्ट दोज हु आर गोइंग विद नाउन फ्रेज आर करेक्ट नाउन फ्रेज के साथ जाने वाले करेक्ट हैं एडजेक्टिव फ्रेज के साथ जाने वाले रॉन्ग हैं क्यों जान लीजिए इसको भी यू नो द रीजन गाइज देखिए जब इज एम आर इज एम आर के बाद वॉज वर के बाद दो स्थितियां बनती एक स्थिति तो बनती है कि आपका सीधे क्रिया का आई एन जी फॉर्म हो या बीइंग क्रिया का आई एन जी बींग क्रिया का थर्ड फॉर्म हो इन दो दशाओं में ये कॉन्टिन्यूस टेंस बनाता है कॉन्टिन्यूअस तो ये तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान है जब भी एजेमआर वॉजबर के बाद आप क्रिया का आईएनजी फॉर्म बीन क्रिया का थर्ड फॉर्म देखें तो कॉन्टिन्यूस है कोई डिस्टर्बेंस नहीं और अगर एज के बाद आपको मिल जाए कोई नाउन, नाउन फ्रेज देखिए जहां नाउन मिल सकता है वहां नाउन फ्रेज भी मिल सकता है नॉन फ्रेज नॉन क्लॉज या एडजेक्टिव एड्जेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव क्लॉज या adverb, adverb phrase, adverb clause, या जिसे हम लोग इसी का हिस्सा है जिसे हम लोग टू क्रिया का इसी का हिस्सा है वो जब हम टू क्रिया का फर्स्ट फॉर्म या टू बी क्रिया का थर्ड फॉर्म देखते हैं तो ये नाउन फ्रेज बनता है जयमार वॉचवर के लिए ये जो है आपका और अब आप यहां पे ये, ये स्क्रीन शॉट ले लेना सब जिंदा हो जाएगा आपका अगर आप लगातार फॉलो करेंगे और जो लोग नहीं कर रहे हैं और अंग्रेजी के लिए आपसे मिलते हो कभी अंग्रेजियां सही ना होत बा यार कह करी कहां जाइ दिल्ली चला जाए क्या या कहिए तो सीधा अमेरिका चला जाए उनसे कहिए कस्तूरी कुंडल बसे मृग देखे बनमा है ऐसे ही घट घटघट राम है दुनिया देखे ना उनको बताइएगा आप इंग्लिश ऑरिकल आपके बगल में है आपके अप्रोचेबल डिस्टेंस पर है तब भी आप जो है घूम रहे हैं भटक रहे हैं तो क्या किया जाए तो यहां पे द लोएस्ट फोर्थ अब दो है ये दा आर्टिकल दा है। इसी से आप समझ जाओ जनाब कि यहां आर्टिकल द है और किसी भी आर्टिकल के बाद अब देखो एक छोटी चीज आर्टिकल के बाद फोर्थ आपका ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है फोर्थ टीएच जितने भी संख्या में जिनमें टीएच लगता है जिनमें टीएच लगता है वो क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं और lowest यहां पे superlative degree है है हो 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 चाहे comparative degree हो, चाहे positive degree हो. ये सब जो है वो एडजेक्टिव माने जाते हैं तो द आर्टिकल भी एडजेक्टिव है आर्टिकल सभी एडजेक्टिव आर्टिकल्स को एडजेक्टिव कैटेगरी में डाला जाता है फोर्थ तो आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव है लोएस्ट आपका जो है वो क्वालिटी एडजेक्टिव है और ये जो है या क्वांटिटी एडजेक्टिव कह सकते हैं यहां पे और ये सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री में अब मामला आता है यहां पे नाउन कोई नहीं है और रूल कहता है कि आर्टिकल्स के बाद आर्टिकल्स के बाद कोई नाउन प्रोना नाउन को दिखना ही चाहिए नाउन को दिखना ही चाहिए आर्टिकल के बाद नाउन को दिखना ही चाहिए ऐसे में आपको यहां अंडरस्टूड नाउन निकालना पड़ेगा यानी क्या नाउन है यहां पे द फोर्थ लोएस्ट रिकॉर्ड है ये द फोर्थ लोएस्ट जो है वो आपका रिकॉर्ड यहां पे यानी रिकॉर्ड है लेवल है कुछ भी पढ़े यानी फोर्थ हाई लोएस्ट लेवल यानी चौथा सबसे निचला स्तर तो यहां है नाउन फ्रेज डियर स्टूडेंट जब नाउन के साथ आर्टिकल दा के साथ नाउन शामिल हो तो दिस इज कॉल्ड नाउन फ्रेज नॉट एडजेक्टिव फ्रेज डीए स्टूडेंट राइट इट डाउन दिस इज नाउन फ्रेज नाउन फ्रेज नाउन फ्रेज सिंस 1901 बताइए जरा नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज एडव फ्रेज फटाफट बोलिए नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज एडव फ्रेज अगेन डी स्टूडेंट अभिषेक लव यू बट दिस इज नॉट सो आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन आई एम एन ऑर्डिनरी टीचर बट आई वॉन्ट टू आई लव टू डू एक्सट्रा ऑर्डनरी थिंग्स कहते ना हूं साधारण लेकिन असाधारण की तमन्ना रखता हूं सिंस सिंस 1901, स्टूडेंट 1901, फ्रेज वेरी गुड मोहम्मद रेहान प्रेमचंद सानी अगेन नहीं हो रहा क्योंकि टाइम बता रहा है तो ये सेंस क्या निकला कि 34 डिग्री सेल्सियस पर एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर पूरे भारत का इस महीने चौथा सबसे निचला टेम्परेचर का ये लेवल था 1901 से लेके अब तक 1901 से लेके अब तक अगर मुझे लिंग्विस्टिक्स में काम करना हो तो एक एक दो दो लाइन में मैं अच्छा खासा समय देके क्योंकि मेरे लिए एक अंग्रेजी की लाइन ही पूरी अंग्रेजी व्याकरण को घुमाने के लिए पर्याप्त है मैं पूरी अंग्रेजी की व्याकरण को नचा सकता हूं दस लाइन के अंदर टेन लाइन कोई मुझसे पढ़वा दीजिए पूरी इंग्लिश नाचेगी वहां रिसीव्ड मई का जो महीना है िसीव अब मैं पार्ट्स और स्पीच पे नहीं जा रहा हूं अब मैं वो कैब पर जा रहा हूं थोड़ा सा मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूं यहां पर नहीं तो टाइम टेकिंग हो जाएगा और आपको क्वांटिटी नहीं मिल पाएगी सो थोड़ा क्वांटिटी भी चाहिए मे रिसीव द सेकेंड हाइस्ट रेनफॉल मई महीने ने दूसरा सबसे ज्यादा रेनफॉल को हासिल किया प्राप्त किया एक सालों में द इंडियन मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट सेड ये मौसम विभाग ने कहा

You, you learn हाउ टू पुट अ क्वेश्चन इन द राइट फ्रेम attributing to बैक टू बैक cyclones एंड वेस्टर्न disturbances और पश्चिमी विक्षो वेस्टर्न disturbances को भौगोलिक भाषा में जब आप पढ़ेंगे वैसे तो डिस्टर्बेंस व्यवधान है पश्चिमी व्यवधान लेकिन मजा नहीं आएगा अब यहां पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा इस जगह में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपको अंग्रेजी का स्टैंडर्ड हिंदी चाहिए तो फिर आपको इतिहास का भूगोल का विज्ञान का पॉलिटिकल साइंस का एक स्टैंडर्ड नॉलेज भी चाहिए अदरवाइज आप स्टैंडर्ड हिंदी नहीं कर सकते इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जिनको लगता है कि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि उनका विभिन्न विषयों का सामान्य ज्ञान भी बहुत अच्छा होना चाहिए अगर विभिन्न विषयों का सामान्य ज्ञान उनका बहुत अच्छा नहीं है तो फिर उनका जो है अंग्रेजी का ज्ञान या किसी भी भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा नहीं हो सकता है भाषाई ज्ञान निर्भर है विभिन्न विषयों के सामान्य ज्ञान पर भाषाई ज्ञान विभिन्न विषयों के सामान्य ज्ञान पर निर्भर हाँ, बिल्कुल ये भाई अधिकतम जूम किया जा सकता है यहां पे। कहिए तो छोड़ दें डिस्टर्बेंसिस फॉर द रिकॉर्ड प्रेसिपिटेशन इट ऑल्सो सेट इसमें कहा है मतलब इसमें जो आईएमडी का रिपोर्ट है दैट 34.18 डिग्री सेल्सियस द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर ओवर इंडिया दिस में इस साल जो इंडिया में वॉज द फोर्थ लोएस्ट ये चौथा सबसे लोएस्ट था since, तो ये वॉज क्रिया है अभिषेक क्या अभिषेक का सवाल था अभिषेक जी ये सिंस 19 वाले में वॉज जो है वो मेन वर्ब थी वॉज ही आपकी मेन वर्ब थी सेकेंड फॉर्म में बी क्रिया का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है वॉज या वर् बी क्रिया का सेकेंड फॉर्म क्या माना जाता है वॉज अगर थोड़ा टाइम दे दें तो मैं आपको एक और जो मैंने सोचा था कि मैं आपको पढ़ाऊं है तो लंबा विषय टाइम टेकिंग लेकिन मुझे बहुत पढ़ाने का मन है मैं सोच रहा हूं कि इसको अभी सेशन को मैं क्लोज कर दूं और एक सेशन नया जो है क्रिएट करूं चूंकि अगर मैं अगर इसी समय पढ़ाऊंगा तो लॉन्ग वीडियो बनने के बाद लोग देखते नहीं हैं तो फिलहाल मैं इसको भी क्लोज कर रहा हूं और मैं आज कभी ना कभी टाइम दे दें आपको कितने बजे पढ़ा दें इसको ये जो है आपको बिल्कुल एग्जैक्टली यही मिलने वाला है एग्जैक्टली यही मिलेगा आपको मुझे एडिटोरियल पढ़ाना है। मेरा बहुत मन है पढ़ाने का चूंकि इसमें डीप इकोनॉमिक पैरालिसिस के बारे में दिया गया है आप प्लीज़ एक परमिशन दें डीप इकोनॉमिक पैरालिसिस के बारे में है मैं आपको इसको अभी तो मैं 11 बजे ले लूं ये क्लास हाँ इवनिंग में रखो सही कह रहे इवनिंग में रखना है तो फिर मैं इसको 9 पीएम ले सकता हूं 9 पीएम इवनिंग में 9 पीएम अगर आप आ जाएं तो मैं इस क्लास को ले सकता हूँ आप फिक्स कर लीजिए 9 पीएम आइएगा आप नौ बजे आप आइए नाइन पी नहीं थ्री थर्टी नहीं अब आप नाइन चूंकि मेरा क्लास चलता है वहां पे तो उसमें मैं थ्री थर्टी नहीं कर पाऊंगा नाइन पी एम पर आप आइए तो मैं आपको आज आप जितने लोग हैं नाइन पी एम आइए और लोगों को लेके आइएगा नाइन पी एम में आपको शिफ्टिंग एलिजियंस एक और डीप इकोनॉमिक पैरालिसिस दो और एक आपका है जितना हो पाएगा इन हॉट वाटर ये ब्रिक्स का मुद्दा है ये वैचारिक विश्लेषण है जो अच्छे निबंध लेखन की इच्छा रखते हैं उनके लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक्स होते हैं तो मैं बात करने जा रहा हूं नाइन पी एम सो प्लीज इस टाइम को ध्यान रखना थैंक यू वेरी मच हैव अ वेरी नाइस टाइम टेक केयर हैव अ वेरी नाइस डे लव यू ऑल जय हिंद जय भारत